हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? मैं शांति कुमार देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से, स्वागत है आपका मेरे चैनल शांति कुमार ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह की 9:30 बजे से, और हम जा रहे हैं माउंट आबू में। और अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर होटल में, और हम नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, और अभी हम नाश्ता का इंतजार कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और बहुत ही अच्छी खिली हुई धूप लग रही है यहाँ, बहुत ही, यहाँ कोहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, बहुत अच्छा। मतलब सुबह 6-7 बजे के आसपास यहाँ धूप आ चुकी थी। और तो चले अब मिलते हैं हम माउंट आबू में, वहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है, कैसा मौसम है, क्या है यहाँ पे घूमने के लिए। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपने ब्लॉग में, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊँ अलग अलग उसके। तो ठीक है, बाय, नमस्ते, मिलते हैं आगे। का मौसम कुछ इस तरीके से है, बहुत ही धूप खिली हुई है, अच्छी सी धूप खिली हुई है, थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा है, जो कि अच्छा सा महसूस होने वाला ठंडा। एक तो होता है बिल्कुल ही ठंडा वाला, वो नहीं है, ये अच्छी वाली ठंडी है। और फिर बता दो कि माउंट आबू में बहुत ठंडा है, तो वो देख लेंगे हम, आप लोगों को बता देंगे कितना ठंडा है। तो हमारी गाड़ी यहाँ पे रेडी है और नाश्ता के वाले सब रेडी है, तो चलो देखते हैं नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे को तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तक नाश्ता नहीं आया। पूरी पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, ऊंची नीची डांडे और मीठे मीठे रास्ते, अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है ये सामने, और यहाँ से हमने ये जीप कर ली है, और हम जा रहे हैं अब जीप में, यहाँ से पूरा ट्रैवल हम उसमें करेंगे। तो ये जहाँ जहाँ घूमने की जगह है वहाँ वहाँ हमें बताएंगे कहाँ कहाँ जाना है हमने, तो इनके साथ जा रहे हैं। तो चलो आगे बैठ गए हम जीप के अंदर, सबके साथ जा रहे हैं पहली जगह जहाँ हमारे घूमने के। ये तो मंदिर है, शंकर मठ मंदिर, अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये है वो बाहर निकलते हुए सीढ़ियों से बाहर, यहाँ का ब्यूटीफुल। चलो मंदिर का टाइम है ठीक 12 बजे, 12 बजे मंदिर को जाएगा, उससे पहले जाना है इसके अंदर। तो हम 12 बजे ठीक 12 बजे पहुँचे दर्शन करें, जो दूसरे लोग गए तब तक मंदिर बंद हो गया था, इसका रूल है। तो आप लोग अगर 12 बजे से पहले पहुँचते तो इस मंदिर में चल जाना, अगर देर हुई तो आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? ट्रिप हमारा है सोमनाथ महादेव मंदिर, और यहाँ इधर उधर बहुत ही अच्छा एरिया है, देखो बड़े बड़े पहाड़। तो निकल चुके हमारी फैमिली अंदर, मैंने सुना मछलियाँ आ रही, देखते हैं आटा। ये मैंने 2 गोले आटा लिए घस के, तो क्या सच में है? देखते हैं, थोड़ी थोड़ी डालनी, देखना चाह रही हूँ कि है कि नहीं। कहाँ आई, आई नहीं रही, कहाँ है मछली? उल्लू बना दे क्या इन्होंने हमारा? कहाँ है लाल वाली मछली? अच्छा वो ना गिर जाए मेरा, राजा हटो बाबा, क्या मुझे भी देखना है ना, ना इधर आना, तू ना देख लेना, तू इधर आ, रा तू इधर आना, तू ना देख, ये वो ये है दोस्तों, ये है लाल वाली मछली, पर एक दो ही है इसमें, मैंने सोचा ज्यादा होंगे। लो भाई खाओ, लो
दो ही मछली है तो दो तीन नहीं है काफी है, दिख नहीं रही वो पानी बस है ना। दो ही तीन है नहीं है बहुत है हैं वो दिख नहीं रहे पानी वैसा है ना लाल। देखो अब झील छोटा सा ही झील है और इसमें मछलियां हैं लाल कलर की जो कि वैसी मिट्टी वैसी ये पानी है वैसी लाल वो है मछली यहाँ का। और संगीता ये मछलियां दे पानी वो दे रहे आटा दे रहे ऋतिक बड़े से बेल के खा। सोमनाथ मंदिर का एरिया यहाँ पे आटा वाले बैठे पापा कहाँ है। सोमनाथ मंदिर जो भगवान है सोमनाथ की श्री सोमनाथ महादेव मंदिर यहाँ पे है श्री राजे राजेश्वरी माता जय हो मेरी गणेश भगवान जी की और ये है सोमनाथ श्री सोमनाथ महाराज की। यहाँ पर गणेश भगवान जी राजेश्वरी साथ में माँ दुर्गा गणेश भगवान जी ये है नटराज भगवान जी और यहाँ पर नंदी और ये सारे शिवलिंग है यहाँ से बाहर और फिर हम यहाँ पर निकल चुके हैं दरबार पे यहाँ पे भगवान के सभी रूप हैं गणेश भगवान जी और यहाँ पे ऋषि शांति कुमार ब्लॉग और यहाँ पे भगवान श्री शंकराचार्य सूर्य नारायण जी की श्री सूर्य नारायण जी भगवान जी हैं अपने रथ में विराज रखे हैं और यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है जैसे अपने उत्तराखंड में इतना अच्छा सा लग रहा है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब जैसे हमारा उत्तराखंड का मतलब वो है ना कल्चर ऐसे लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि बस हम वहीं पर आ रखे हैं मतलब बाहर नहीं आ रखे अभी तो ये राजस्थान में है माउंट आबू में तो माउंट आबू का दूसरा वो भाग है जो हम अभी आ रखे हैं मंदिर में। यहाँ पे है ज्योतिर्लिंग श्री भीमा शंकर पब्लिक की जनसंख्या देख सकते हो आप लोग पीछे से बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे दूसरा मार्ग हमारा ये है यहाँ पे एक मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है अंदर जाके है और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो इसलिए हम फ़ोन अंदर नहीं लेके गए तो जल्दी जल्दी हमारे दर्शन भी हो गए वहाँ अंदर जाके और बाहर यहाँ पे अगर जो लोग नीचे गाड़ी वालों को नहीं देखे फ़ोन तो यहाँ पर 50 रुपये जुर्माना है मतलब 50 रुपये अंदर वो है रखने का लॉकर उसमें रखा जा रहा है और अंदर जो जाएगा तो जुर्माना पड़ेगा। तो ये यहाँ का मार्केट है काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं इस मार्केट में तो हम सोच रहे हम भी ख़रीदारी करें यहाँ पर तो हमारे कुछ सदस्य चले गए हैं मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए तो मुझे अभी पता क्योंकि मेरा फ़ोन नीचे था तो मैंने लड़के को बोला मैंने फ़ोन लेके आ जा तो फ़ोन लेके आया मुझे अपने सदस्यों को ढूंढना है कि वो हैं कहाँ
शॉपिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हो सजाने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, बैंगल है, पर्स हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो मिल नहीं रहे कोई हमारे सदस्य, तो मुझे जाना पड़ेगा आगे। गलती है पता नहीं, आर्टिफिशियल ही होगी शायद, तो मार्केट नहीं है, छोटी मार्केट है। और एक मार्केट पीछे से है जहाँ से हम आए थे अभी। और यहाँ पे ये पत्थर के बने हुए बेलन, चकला बेलन, और ये अदरक उदरक खींचने वाला, ये है छोटा सा। मन तो बहुत करा लेने का लेकिन इतना टाइम ही नहीं हो रहा हमारे पास। उसको निकाल चकला मुझे। आचेलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि हम अभी साथ महादेव के मंदिर ही गए थे। साथ में यहाँ बच्चे बहुत ही शैतानी कर रहे हैं हमारी गाड़ी में, कुछ लड़ाई कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं, कुछ डांट भी खा रहे हैं बीच बीच में। ये डांट खाने वाला मैं नहीं हूँ, कोई मुर्गा उसके कर दो। हाँ हम खुद आएंगे इन बच्चों को बच्चे। ये बहुत तंग कर रहे हैं दोस्तों हमें, बच्चे घर की सफाई कर देंगे। ये बच्चे घर की सफाई करेंगे कि, और घर से मतलब घर जाते ही हमारा दिमाग की दही बन जाएगी, ऐसा बोलना चाह रही है। यहाँ के चट्टान और गांव घूमने वाले, और यहाँ पर एक झील भी है जो कि पर्दे ने छुपा दी, ये ऊपर चोटियाँ हैं। अच्छे अच्छे सीन निकाल रही हूँ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। ये देखो बहुत ही अच्छा, यहाँ अंदर आप लोग शूटिंग कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, और जैसे फोटो खींच सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ये देखो आगे खेती बाड़ी, छोटे छोटे क्या पता नहीं क्या गेहूँ बोल के शायद इन्होंने यहाँ पे। मुर्गों की लाइन लगी हुई, ये मार्केट यहाँ पे तीन या फिर चार साइड हम यहीं पे रुक रहे हैं अभी। यहाँ पे पत्थर बैठ के फोटो खींचने के लिए, रील बनाने के लिए कपल्स लोग बैठ सकते हैं, नहीं हम भी बैठ सकते हैं, सब बैठ सकते हैं। अकेले बैठ सकते हैं, सब बैठ सकते हैं, ले सकते हैं। और ये देखो सुंदर सा व्यू यहाँ का, छोटे गांव, यहाँ पे कपड़े धो के रखे हुए भी है, वही तो हम दोस्तों यहाँ पे। यहाँ से पहले मैं नीचे से दिखा देती हूँ आपको, ये मंदिर है। यहाँ से मंदिर इसलिए जा रहे हैं हम कि ऊपर से पूरा नज़ारा नीचे को दिखाई देगा, इसलिए जा रहे हैं। पांचवी जगह है, यहाँ भी टेम्पल है। पता नहीं, हम तो कुछ और सपना लेके आए थे, तो देखते हैं क्या अंदर फोटो खींचना मार्केट के बीच में, मार्केट में जा रहे हैं हम अभी। यहाँ से अभी मार्केट में पाव बना रहे हैं और लोग खा रहे हैं। अभी हमने लिया है बड़ा पाव और मैं उसी का इंजॉय कर रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी हो रहा है दोस्तों, कल मैंने एक जगह पे खाया था वो अच्छा नहीं हो रहा था, ये अच्छा हो रहा है। और इन्हें खाना नहीं मिला इसलिए बड़ा पाव खा रहे हैं।
वो क्या है वो क्या ये कितने पैसे बचे? ये है यहाँ पे झील। ये तो अभी हम मार्केट का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में सामान महंगा है, इसलिए हम कल देख रहे हैं और इधर आ जा रहे हैं। आशा रानी को वाव करते जाएंगे हम, लेकिन लेंगे नहीं। क्या कर रहे हैं? मुझे एक जगह पसंद आया था, उसने बहुत महंगा बोला था, उसको मैंने छोड़ दिया। और ये और आदमी लोग हमारे सबके चले गए हैं और सिर्फ हम तीन चार लेडीजे हैं यहाँ पर। एक ही हमारे यहाँ पर ऋतिक की शॉपिंग हो रही है। ऋतिक के पास हमेशा कपड़े ख़त्म ही मिलते हैं। अभी हमेशा बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं है। चेक कर रही है कपड़ों। और यहाँ पर संदीप शॉपिंग कर रहे हैं, अभी पता नहीं क्या ले रहा संदीप। पूरा मार्केट है यहाँ पे, तो अभी हम घूम घाम के आके और मार्केट के आनंद लेते हुए ये पूरा मार्केट मर झामर। तो दोस्तों मेरे नाम के होटल यहाँ पे शांति बस पंवार नहीं है पीछे से। तो मैंने यहाँ पर होटल खोल दिया है, आप लोग आना मेरे होटल में। बड़ा मार्केट आई है, हम घूमते 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 हमने गाड़ी के पास जाना है साथ में। तो ये देखो बहुत ही बड़ा ट्रक सामने पे भैया दिख रहा है, सामान है।